स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान की डिजिटल दुनिया में और मैं हूं आपके साथ अभिरंजन कुमार। भारतीय रेल को देश का लाइफलाइन कहा जाता है। करोड़ों यात्री हर दिन इसके जरिए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई बार देखने को मिला है कि ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचने में देर कर देती है। इस कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब लेट लतीफ़े के दिन लदने वाले हैं, या यूं कहें कि कुछ रूटों पर लेट लतीफ़ी के दिन लद गए हैं। भारतीय रेल की ओर से कई रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही हैं, तो वहीं कई रूटों पर जल्द ही इसे चलाने की योजना है। रेलवे की कोशिश है कि यात्री जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए हर दिन मंत्रालय की ओर से रेलवे में अलग अलग तकनीकों को लॉन्च किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कैसे यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। ऐसे में हम आज इन्हीं ट्रेनों के बारे में बात करेंगे जो कम समय में यात्रियों को मंजिल तक पहुंचा रही हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह सिलसिला। तेज स्पीड की ट्रेनों में सबसे पहला नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस का। इस ट्रेन को सबसे पहले पीएम मोदी ने 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद से यह लगातार तेज रफ्तार में पटरियों पर दौड़ रही है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल यह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी और नई दिल्ली से कटरा के बीच दौड़ लगा रही है। तेज स्पीड ट्रेनों की सूची में दूसरे नंबर पर गतिमान एक्सप्रेस है। यह ट्रेन करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाती है। ये ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलकर आगरा छावनी तक जाती थी, लेकिन बाद में यात्रियों के सकारात्मक रुझानों के बाद इसे बढ़ाकर झांसी तक के लिए कर दिया गया। तेज स्पीड ट्रेनों की सूची में अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है। ये ट्रेन करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाती है। अगर देखा जाए तो इस ट्रेन को नई दिल्ली से भोपाल तक पहुंचने में मात्र 8 घंटे 25 मिनट का समय लगता है। चौथे नंबर पर जिस ट्रेन की गिनती होती है उसका नाम है मुंबई राजधानी तेजस एक्सप्रेस। इस ट्रेन की स्पीड करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन नई दिल्ली से चलकर मुंबई पहुँचती है। मुंबई राजधानी तेजस एक्सप्रेस मात्र 15 घंटों में दिल्ली से मुंबई की दूरी तय कर लेती है। तेज स्पीड ट्रेनों की सूची में नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस की भी गिनती होती है। ये ट्रेन करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ लगाती है और नई दिल्ली से कानपुर के बीच 440 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 55 मिनट में तय कर लेती है। इसके अलावा अगर बात करें तो नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस की भी गिनती तेज स्पीड ट्रेनों में होती है। ये ट्रेन करीब 135 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ लगाती है। ऐसे ही अन्य जानकारी प्रद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें जी हिंदुस्तान डिजिटल और मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।